गोरखपुर लोकसभा निर्वाचन 2019 में राजनीतिक दलों के प्रत्याशी द्वारा जनसभा रैली जुलूस रूट मार्च लाउड स्पीकर का प्रयोग वाहनों का प्रयोग तथा एयरपोर्ट हेलीपैड आदि के उपयोग हेतु भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अनुमति संबंधित ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु कलेक्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट स्थित ई डिस्ट्रिक्ट में एकल खिड़की प्रणाली स्थापित किया गया है, जिसमें राजनीतिक पार्टियों या नॉमिनेशन के बाद प्रत्याशियों के जुलूस रैली सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए परमिशन लेने की सुविधा उपलब्ध है। इस एकल विंडो पर इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किए गए सुविधा सॉफ्टवेयर के द्वारा राजनीतिक पार्टियां किसी भी कार्यक्रम की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं, जिसका शनिवार को एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के पश्चात गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, देखे तो व्हाट्सएप वाला ना नहीं नहीं फोटो राय साहब ये सब पीछा एक इलेक्शन कमीशन का सुविधा नाम से सॉफ्टवेयर चल रहा है। उस सुविधा सॉफ्टवेयर पर कोई किसी भी प्रकार की परमिशन, जैसे जुलूस की, मीटिंग की, या कोई कहीं पर भ्रमण की कि इस यहाँ दौरा कर रहे हैं, इन सब की और उनके झंडे की, बैनर्स की, ये सब की परमिशन लेते हैं वो लोग। तो वो अगर राजनीतिक दल लेगा तो राजनीतिक दल के खाते में जाएगी, जुड़ेगी, और अगर कोई जब कैंडिडेट नॉमिनेशन के बाद बन जाएंगे तो उनके खाते में जुड़ेगी क्या खर्चा किया है। तो उसकी सबकी परमिशन यहाँ से सिंगल विंडो से जिला स्तरीय अधिकारियों, जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा दी जाती है और विधानसभा बार एआरओ के द्वारा दी जाती है। तो उसी लिए ये कलेक्ट्रेट का था, इसी को मैं मायना कर रहा था।